वेलकम अगेन स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पूनम बाय जूम के ऑनलाइन लाइव प्लेटफॉर्म पे आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। और आज हम आपके सामने है एक और नया टॉपिक लेकर के। टॉपिक का नाम है पार्थेनोजेनेसिस। बेटा आज तक यूट्यूब पे मैंने सर्च किया है, इसके ऊपर ऐसी कोई भी वीडियो नहीं है जो आपको कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस वो भी 5 मिनट में समझा दे। चलो इसको स्टार्ट करते हैं बेटा, क्योंकि 5 मिनट में आपको समझाना है हमें पार्थेनोजेनेसिस। स्टार्ट करने से पहले एक बात जरूर बोलूंगी बेटा कि हमारे बायोजूम्स क्लासेस के चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो मिलती रहे। तो उसके लिए जरूरी है कि आप बेल आइकन भी अपना ऑन रखें, ठीक है। चलो करते हैं बेटा स्टार्ट पार्थेनोजेनेसिस को। पार्थेनोजेनेसिस का दूसरा नाम होता है, इट इज वर्जिन बर्थ। वर्जिन बर्थ का मतलब जिसके अंदर डेवलपमेंट ऑफ ऑफस्प्रिंग होती है डायरेक्टली फ्रॉम द एग। लेकिन यहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन है वो फर्टिलाइजेशन नहीं होता। विदाउट फर्टिलाइजेशन जो बर्थ होता है, नए ऑफस्प्रिंग्स का बनना होता है, उसको ही हम पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। सबसे पहले चार्ल्स बोनेट ने 1745 के अंदर पार्थेनोजेनेसिस को बताया था। पार्थेनोजेनेसिस एक टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ये आपके लिए क्वेश्चन मार्क है, मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना। अगर ना मिले तो मुझसे पूछना, मैं आपका आंसर दूंगी कि पार्थेनोजेनेसिस को, क्योंकि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही और क्योंकि ये मोनोपेरेंटल भी है, तो इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्यों पढ़ते हैं, मुझे इसका आप एक बार बताना आंसर। अगर ना मिले तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना भाई, ठीक है। बढ़ते हैं बेटा पार्थेनोजेनेसिस, जिसका दूसरा नाम है वर्जिन बर्थ। इट इज सिंगल पेरेंट बर्थ, इसीलिए इसको मोनोपेरेंटल हम बोलते हैं। जनरली पार्थेनोजेनेसिस क्या एडवांस वर्टिब्रेट में मिलता है? नहीं जी, पार्थेनोजेनेसिस जो आपको मिलता है वो बेसिकली नॉन वर्टिब्रेट्स में ही मिलता है। इसका मतलब वर्टिब्रेट में तो कोई पार्थेनोजेनेसिस का केस है ही नहीं, लेकिन जो भी है वो आगे हम देखते हैं। जनरली जो पार्थेनोजेनेसिस है वो आपको रोटीफर्स में देखने को मिलेगा, एफिड्स में मिलेगा, बीज में होता है। बीज में मैं आपको एक ट्रिक से याद करवाती हूँ, बीज के अंदर DU मतलब ड्रोन जो होते हैं वो अनफर्टिलाइज्ड एग से डेवलप होते हैं। याद हो गया, बीज की एक टाइप होती है ड्रोन, एंड ड्रोन क्या होते हैं? मेल। बीज के मेल का नाम ड्रोन होता है, वो अनफर्टिलाइज्ड एग से डेवलप होते हैं। तो ये बीज के अंदर भी पार्थेनोजेनेसिस होती है। इसके अलावा क्रस्टेशियंस के अंदर भी हमें पार्थेनोजेनेसिस देखने को मिलता है। ओके, अब हम आते हैं फटाफट टाइप्स ऑफ पार्थेनोजेनेसिस पे। तो जो पार्थेनोजेनेसिस है बेसिकली दो टाइप का होता है, नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस एज वेल एज द आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस। फर्स्ट हम पढ़ते हैं नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस और दूसरा आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस। नेचुरल को आगे पढ़ने वाले हैं हम, कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस एंड इनकम्प्लीट। कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस का मतलब जिसमें हमेशा ही हमेशा जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं वो हमेशा ही पार्थेनोजेनेसिस से बनेंगे। इसका मतलब दिस टाइप ऑफ पार्थेनोजेनेसिस इज ऑब्लिगेटरी। इट इज ऑब्लिगेटरी। ऑब्लिगेटरी मतलब जिसके अंदर जो प्रोसेस हमेशा वही वैसा ही होता है। इनकम्प्लीट पार्थेनोजेनेसिस जिसमें कभी कभी हो जाता है, रेंडम कोई सरकम चांसेस के अंदर पार्थेनोजेनेसिस से ही ऑफस्प्रिंग बनता है, तो इस टाइप के पार्थेनोजेनेसिस को हम बोलते हैं फैकल्टेटिव पार्थेनोजेनेसिस। इट इज फैकल्टेटिव पार्थेनोजेनेसिस। हम आगे डिस्कस करने वाले हैं विद एग्जांपल। इसके बाद में ये तो था फर्स्ट नेचुरल, और दूसरा है आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस जिसमें बाय ए पर्टिकुलर स्टिमुलस, टेम्परेचर, प्रेशर, केमिकल की हेल्प से पार्थेनोजेनेसिस को करवाया जाता है। लेकिन पार्थेनोजेनेसिस की एक और भी टाइप है, इट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ क्रोमोजोम। नंबर ऑफ
क्रोमोसोम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम के बेसिस पे भी पार्थेनोजेनेसिस को दो टाइप में डिवाइड करते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू, आरेनोटोकी एंड थाइलोटोकी, आपको बहुत बहुत पूछा जाता है नीट के अंदर इसको। आरेनोटोकी को हैप्लोइड पार्थिनोजेनेसिस बोलते हैं, थाइलोटोकी को डिप्लोइड पार्थिनोजेनेसिस बोलते हैं। इसको हम आगे करते हैं कंप्लीट। जी बेटा, अब एक्सप्लेन करते हैं अच्छे से पार्थिनोजेनेसिस का फर्स्ट टाइप, नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस का, दैट इज कंप्लीट पार्थिनोजेनेसिस या ऑब्लिगेटरी पार्थिनोजेनेसिस। कंप्लीट के अंदर पहले तो ये याद रख लेना, ओवरऑल फीमेल डोमिनेंसी है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फीमेल आपको ऑब्जर्व होंगी, देर इज नो एनी मेल, फर्स्ट पॉइंट। एग्जाम्पल कौन कौन से है बेटा, फर्स्ट एग्जाम्पल रूटी फर्स का है। कौन कौन से है इसमें, फर्स्ट जैसे आता है कि टेफलिना ब्रेमिना, ये स्मॉल लिजार्ड है जो लगभग 15 सेंटीमीटर लेंथ की होती है। दूसरा है इसमें लेकर्टा सेक्सिकोला एरेमिनिका, जिसको कैकेजियन रॉक लिजार्ड भी बोला जाता है, इसमें भी ओनली एंड ओनली फीमेल्स आर ऑब्जर्व। नेक्स्ट इसमें जो एग्जाम्पल है निमिडोफोरस का एग्जाम्पल है, जिसको विपटेल लिजार्ड ऑफ अमेरिका भी बोला जाता है। उसके बाद में नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस का नेक्स्ट टाइप है इनकम्प्लीट पार्थिनोजेनेसिस। इसके अंदर इनकम्प्लीट का मतलब फैकल्टेटिव, कभी कभी हो जाता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो इसके अंदर इसका मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, बाय पार्थिनोजेनेसिस भी होता है। तो इसके अंदर जो एग्जले होते हैं वो दोनों होते हैं, अनफर्टिलाइज भी और फर्टिलाइज भी, जैसा अभी अभी हमने बीज का एग्जाम्पल पढ़ा था। एग्जाम्पल फर्स्ट है इनकम्प्लीट पार्थिनोजेनेसिस के अंदर डेफनिया का। तो डेफनिया जो है उसके अंदर जो फीमेल है वो दोनों के दोनों एग्स ले करती है, फर्टिलाइज्ड एग भी अनफर्टिलाइज्ड एग भी। कब, फर्टिलाइज्ड एग प्रोड्यूस होते हैं ड्यूरिंग द स्ट्रेस या अनफेवरेबल कंडीशन, और अनफर्टिलाइज्ड जो एग्स ले होते हैं वो कब होते हैं, ड्यूरिंग द फेवरेबल कंडीशन। और डेफनिया के अलावा दूसरा एग्जाम्पल कौन सा हो गया इसमें, बीज का। एक और भी पार्थिनोजेनेसिस की टाइप होती है जिसको बोला जाता है पीडोजेनेटिक या पीडोजेनेसिस। बहुत 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 बार बोर्ड में भी पूछा जा चुका है पीडोजेनेसिस क्या होता है, इट इज द डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ लार्वा इनटू द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ स्विंग्स। तो इसके अंदर जो कुछ इंसेक्ट्स के लार्वाज होते हैं वो डायरेक्टली किसमें, वो ऐसे एग्स ले करते हैं और वो डायरेक्ट नेक्स्ट जनरेशन के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसको बोला जाता है पीडो जेनेसिस। ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोम नंबर पार्थिनोजेनेसिस का लास्ट टाइप बचता है आरेनोटोकी एंड थायलोटोकी। आरेनोटोकी के अंदर ओनली एंड ओनली मेल आर ऑब्जर्व्ड, इसको हैप्लोइड पार्थिनोजेनेसिस भी बोला जाता है, जिसके अंदर हैप्लोइड एग डायरेक्टली हैप्लोइड मेल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा तो हमने किसमें देखा था, बीज के अंदर भी देखा था, इसी तरह इस किसमें दिखता है अभी ये अरेक्निड्स के अंदर भी देखने को मिलता है। और थाइलोटोकी जिसमें है, थाइलोटोकी के अंदर डिप्लोइड एग जो है वो डिप्लोइड एग किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कंप्लीट के कंप्लीट नेक्स्ट जनरेशन पार्थिनो ऑफस्प्रिंग्स के अंदर। इसमें एग्जांपल जो आता है वो किसका आता है भाई, गॉल फ्लाई का एग्जांपल इसमें देखने को हमें मिलता है, ठीक है भाई। और लास्ट टाइप पार्थिनोजेनेसिस की वो है आर्टिफिशियल पार्थिनोजेनेसिस, जिसके अंदर कोई पर्टिकुलर स्टिमुली, चाहे वो आपका फिजिकल स्टिमुली हो, केमिकल हो, कोई पर्टिकुलर स्ट्रेस वाली कंडीशन हो, जिसमें पर्टिकुलर एग किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, डायरेक्टली ऑफस्प्रिंग के अंदर। ऑब्जर्व किसमें होता है भाई, ये इट इज जनरली ऑब्जर्व इन द एनेलिड्स, मोलस्क, स्टारफिश, फ्रॉग एंड हेंस के अंदर, कभी कभी रैबिट के अंदर भी देखने को हमें मिलता है। इसमें जो स्टिमुली है वो कौन कौन सी है, फर्स्ट है फिजिकल स्टिमुली, जैसे कि प्रिक ऑफ नीडल, जैसे कि इलेक्ट्रिक शॉक, जैसे कि टेम्परेचर, जैसे कि पीएच। इसमें अब आप सोचते होंगे कि ऐसा क्या होता है कि डायरेक्टली विदाउट एनी फर्टिलाइजेशन डायरेक्ट कन्वर्जन होता है, उसमें सिंपल क्या होगा भाई, देयर इज नो एनी मिक्सिंग ऑफ द रैंडम क्रोमोसोम अरेंजमेंट, डायरेक्ट जो है उसको एक पर्टिकुलर स्टिमुलस मिल जाता है और वो कंप्लीटली ग्रो हो जाता है। जैसे आप आफ्टर पोलिनेशन भी देखते हो, पोलिनेशन के बाद में कई विदाउट फर्टिलाइजेशन जो है वो फ्रूट डेवलप हो जाते हैं। केमिकल के इंजेक्शन से भी कई बार पार्थिनोजेनेसिस हो जाती है, जैसे कि यूरिया है, फैटी एसिड है, ईथर है एंड
क्लोरोफॉर्म है, ये कुछ फैटी एसिड हैं जो पार्थिनोजेनेसिस को करवाने में हेल्प करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि एक नए नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर आते हैं जो यूट्यूब पे अन अवेलेबल है फॉर द नीट एस्पिरेंट्स। थैंक यू।